नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 33 है ये लक्ष्मीकांत की वीडियो का। तीन आर्टिकल्स देखेंगे, आर्टिकल 31A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 31B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 31A में आता है सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 31B वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन और आर्टिकल 31C सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दे दोस्तों, और अगर ये किताब अब तक आपने ना खरीदी हो तो जरूर खरीद ले। अच्छा, अगर आप आर्टिकल 31A की बात करो तो आर्टिकल 31 को बनाया कब गया। आर्टिकल 31 को बनाया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया और उसके थ्रू आर्टिकल 31A को जोड़ दिया गया। अब आप बोलोगे आर्टिकल 31A को जोड़ा क्यों गया, तो आर्टिकल 31A को बेसिकली इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि सरकार को बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स करते थे, खासकर एग्रीकल्चरल लैंड के रिफॉर्म्स करने थे, इंडस्ट्री की फील्ड में करने थे रिफॉर्म्स, ट्रेड बिजनेस कॉमर्स की फील्ड में रिफॉर्म्स करने थे, जरूरत थी वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल की जो कोर लैंग्वेज है, फंडामेंटल की राइट्स की जो कोर लैंग्वेज थी, वो उन रिफॉर्म्स को करने में रोक रही थी, इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अब देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट है आर्टिकल 31 से, बट आर्टिकल 31 ए का भी एक बहुत बड़ा मतलब है। उसके बाद दोस्तों, ये जो आर्टिकल 31 ए है इसको बहुत बार अमेंड भी किया गया, तो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको अमेंड किया गया, 17th से किया गया, 44th से किया गया, तो 17th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 4th अमेंडमेंट एक्ट, इन सब से इस आर्टिकल 31 ए को बदला गया है। ठीक है, एक्चुअली में आर्टिकल 31 से करता क्या है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, दो मिनट के लिए पॉज करिए, जितनी देर के लिए भी करना हो करिए, जो भी टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सामने लिखा हो ना, इसको आप पढ़ो, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, दो आर्टिकल्स की मैं आपसे बात करता हूं, एक मैं बात करूंगा आर्टिकल 14 की और एक मैं बात करूंगा आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझाया था मैंने। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स, छह राइट्स, छह तरीके के राइट्स बताए थे, पहले सात थे, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया तो छह बचे। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को अगर कोई चीज वायलेट करती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, सिंपल सी बात है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन आर्टिकल 31 बोलता है कि पांच जगहों पे और पांच तरीके के नियम कानूनों के लिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हम नहीं मानेंगे। और ये कब लेके आया गया, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू लेके आया गया। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में सरकार ने बोला कि अगर हम ऐसा कोई नियम कानून बनाते हैं जो पांच चीजों से रिलेटेड है, जो एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है, तो उस चेंज को, अगर वो चेंज आर्टिकल 14 और 19 को भी वायलेट कर रहा है, तो उसे वैलिड माना जाएगा। वो पांच नियम कानून कौन कौन से हैं। पहला, द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी एस्टेट। अब ये एस्टेट क्या है दोस्तों, इस एस्टेट की परिभाषा दे रखी है आपका नोट्स एंड रेफरेंसेस में 17th पॉइंट में, तो जागीर, इनाम, मुआफी, तमिलनाडु, केरला में इनको जन्मम भी बोलते थे, यानी कोई ऐसा लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए है और किसी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में है तो उससे लिया जा सकता है, ये बात बोली गई है इस ए वाले क्लॉज में। तो यानी स्टेट के पास ये ताकत है कि वो कोई भी एस्टेट या कोई एक ऐसा लैंड जिसको एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसको ले सकते हैं, उससे रिलेटेड राइट ले सकते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार, इनके पास बहुत जमीनें हुआ करती थी, सब कुछ इनका था। इंडिपेंडेंस हुआ तो मेजोरिटी जनता तो गरीब थी ना, कुछ लोग जो अंग्रेजों की साइड हो गए थे, जो अंग्रेजों के टट्टू बन गए थे, अंग्रेजों की चापलूसी कर करके उन्होंने बहुत सारी जमीनें अपने पास इकट्ठी कर ली। ओके, अब वो जमीनें छोड़ने को तैयार ना हो, जब उनसे जमीनें लेने की कोशिश करो तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, भैया हमारा तो आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है, 19 वॉयलेट हो रहा है, सरकार ने बोला ये बवाल नहीं चलेगा। तो सरकार ने क्या बोला, आर्टिकल 31 से, आर्टिकल 31 से कि अंदर हम आपकी ये जमीनें लेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड, और गरीब किसानों को देंगे, और आप बोलोगे फंडामेंटल राइट, तो ये लो आर्टिकल 31 से, कोई फंडामेंटल राइट नहीं, तुम्हारी जमीन हम ले लेंगे। उसके बाद चार चीजें और हुई, किसी भी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट भी ले सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट अगर सही तरीके से नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, वहां पे किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, होता है ना, बड़े बड़े जमीनें हुआ करती थी उस समय पे, वहां पे आसपास के जो गांव के किसान हुआ करते थे उनको डेली के दिहाड़ी पे लगाया जाता था, अब डेली की दिहाड़ी पे उनको पैसे ही नहीं दिए जाते थे, ठीक है ना, वो बोलते थे कि तुम्हारे परदादा ने हमसे पैसे लिए थे, तुम उसके पैसे चुकाओ, इस टाइप की बातें बोलते थे जमींदार, तो सरकार ने बोला ये बवाल नहीं चल पाएगा।
तो अगर किसी ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी पे कुछ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है तो सरकार बोलेगी ये प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हम ले रहे हैं, हम करेंगे इस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट। फिर सी वाले में क्या आता है, द अमलगमेशन ऑफ टू और मोर कॉर्पोरेशन आइदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो भाई इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी बिजनेसेस थे, ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो भी जो अंग्रेजों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखते थे उनकी ही थी, तो वो किसी भी तरीके से गरीब नहीं थे। वो पहले भी लोगों को लूट रहे थे, बाद में भी लोगों को लूटना चाहते थे, सरकार ने बोला आप नहीं लूट पाएंगे। तो कॉर्पोरेशन के अंदर भी जो लेबर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके की वो कॉर्पोरेशन हो, उन मजदूरों के राइट्स को देखना है, तो ये लोग तो राइट देखेंगे नहीं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो अपना फायदा देखेंगे। तो इन कॉर्पोरेशंस का मैनेजमेंट गवर्नमेंट अपने पास ले सकती थी, या फिर ऐसे किसी भी दो कॉर्पोरेशंस को मिला के उसका मैनेजमेंट अपने पास ले सकती थी। उसके बाद डी वाला पॉइंट, द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स, सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स और मैनेजर्स ऑफ कॉर्पोरेशंस और एनी ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स थेरऑफ। तो यानी इस तरीके की कंपनियों में, देखिए दोस्तों अब ये 31A आया था 1951 में, 1951 में कितने लोगों के पास कंपनियां थी आप सोचिए। 1951 में सिर्फ उन लोगों के पास बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो अंग्रेजों के साथ मिलजुल के काम कर रहे थे और लोगों को दबा रहे थे। आज की डेट में तो आप देखोगे कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, आपके और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी कंपनी खोले और बिजनेस करें और सब कुछ ठीक है, लेकिन उस समय पे क्या हालात थे 1951 में। तो जरूरी था कि जो बड़े बड़े लोग थे, ये मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सेक्रेटरी, ये मैनेजिंग एजेंट, ट्रेजरर्स, मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेशंस, इनके शेयर होल्डर्स, अब ये शेयर होल्डर तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से काम कर रहे थे, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में हटा दी गई थी, पर ये ब्रिटेन के पैटर्न में काम कर रहे थे। लोगों को लूटो, खुद की जेब भरो, सरकार ने बोला ये नहीं हो पाएगा। लोगों को राइट्स के बचाने के लिए सरकार किसी भी तरीके की चीज पे अपना काबू पा सकती है, और ये स्टेप जरूरी भी बहुत था। उसके बाद ई वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स एक्रूइंग बाय वर्चू ऑफ एनी एग्रीमेंट, लीज और लाइसेंस फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग फॉर और विनिंग एनी मिनरल और मिनरल ऑयल और द प्रीमैच्योर टर्मिनेशन और कैंसिलेशन ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, लीज और लाइसेंस। सिंपल सी बात समझिए भैया, माइनिंग लीजेस, अंग्रेजी सरकार के दौरान अगर किसी इलाके में खनन करने की आपको अधिकार मिले हैं तो इंडिपेंडेंस के बाद आपसे हम वो अधिकार छीन सकते हैं। कई बार जो खनन के अधिकार होते, कोयला निकालने के अधिकार, आयरन और एक्सट्रैक्शन के अधिकार, ये अंग्रेजी सरकार के टाइम पे ही कुछ बड़े बड़े जमींदारों को वगैरह को दे दिए गए थे। बाद में जब सरकार ने वो राइट्स वापस लेने शुरू किए तो ये जुडिशरी में पहुंच गए कि नहीं भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो सरकार ने बोला 31 ले लो, कोई बिजनेस नहीं, हम चाहेंगे तो तुम्हारा ले लेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो, तुम गरीबों को दबा सकते हो सरकार को नहीं, और सही में नहीं दबा सकते, क्योंकि ये सरकार ही तो आपका इतना बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल लड़के आई थी। नेहरू जी कितने कितना स्ट्रगल किया नेहरू जी लोगों ने, और क्या नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज की डेट में दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रेजेंट माहौल है उसमें नेहरू जी को बहुत गरियाया जाता है, जबकि नेहरू जी एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट थे। कभी भी आप नेहरू जी को ये नहीं बोल सकते थे कि उनके देशभक्ति में कोई कमी थी, बहुत जबरदस्त लीडर थे, कई बार जेल गए, इस देश के लिए उन्होंने भी बहुत कुर्बानियां दी। हाँ उनसे कुछ गलतियां हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1962 के चाइना के वॉर के दौरान पर उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, कुछ सही डिसीजंस नहीं थे, कुछ दूरदर्शी डिसीजंस नहीं थे, और उन डिसीजंस ने कुछ ऐसी चीजें कर दी कि उनके सारी अच्छी चीजें उसके नीचे दब गई, और आज के डेट में बहुत सारे लीडर्स उनको नीचे दबाता फिरते हैं, तो सही नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। फिर आगे देखते हैं, एक बात और कही बोली गई यहां पे कि आर्टिकल 31A does not immunize a state law from judicial review until it has been reserved for the president's consideration and has received its assent. कुछ ऐसा ही आपको आर्टिकल 31C में मिलेगा, आर्टिकल 31A में, आर्टिकल 31C में। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई एक स्टेट लॉ बनाया गया आर्टिकल 31A के अंदर, तो क्या ये 31A इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से? बिल्कुल इम्यून है, अगर प्रेस लॉ बनाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जा चुका और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर चुका है। मान लीजिए आर्टिकल 31A के अंदर कोई लॉ बना और वो लॉ अभी प्रेसिडेंट के पास नहीं गया और प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया है, तब तक उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू की पिटीशन फाइल हो सकती है। एक बार वो प्रेसिडेंट के पास चला गया और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया तो फिर जुडिशियल रिव्यू की पिटीशन साइन नहीं हो सकती। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, संविधान में कुछ भी लिखा हो, सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में बहुत ताकतवर है। आपने एक चीज सुनी होगी, आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोला जाता है स्पेशल लीव पिटीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को अपने अंदर ले सकती है, मतलब किसी भी चीज पे
वो किसी भी टॉपिक पे वो डिस्कशन कर सकती है, किसी भी टॉपिक पे अगर उसको लगता है कि भले ही वो उसके एम्बिट के बाहर हो तब भी सुप्रीम कोर्ट उसको उठा सकती है अपने सामने। और सिर्फ आर्टिकल 136 नहीं, आर्टिकल 142 ले लीजिए, तो आर्टिकल 136 और आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को बहुत ताकत देते हैं। तो देखिए, भले ही हमारे संविधान में लिखा हो कि जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, बट जुडिशरी के पास इतनी ताकत है कि वो कहीं भी इंटरफेयर कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आर्टिकल 31A में लिखा है कि भाई देखिए, अगर एक स्टेट लॉ बनता है आर्टिकल 31A के अंदर और उसको वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो जुडिशरी उसके जुडिशरी में केस नहीं जा सकता उसके खिलाफ। बट कल की डेट में जुडिशरी उठ के ये बोल दे कि नहीं भाई, आर्टिकल 31A के अंदर भी जो आपने नियम कानून पास किए हैं ना, वो केस हमारे पास आ सकते हैं। और ऐसा बोला है जुडिशरी ने, किसमें बोला है? आर्टिकल 31B में बोला है। अभी समझाता हूँ आर्टिकल 31B क्या है। फिर आर्टिकल 31A के अंदर एक और बात है, मान लीजिए आप किसी की जमीन ले लेते हो, आप जैसे कि मैंने आपको स्टैटूटरी सीलिंग के बारे में बताया था, ये स्टैटूटरी सीलिंग क्या होती है? स्टैटूटरी सीलिंग ये होता है कि देखिए, मान लीजिए किसी एक जगह पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड लेने की परमिशन है एक पर्सन को। तो मान लीजिए किसी जगह पे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 500 एकर्स का लैंड रखने की परमिशन है एक पर्सन के पास। सरकार ने डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई, इस जगह की जो स्टैटूटरी सीलिंग है वो 500 एकड़ है, तो 500 एकड़ तक की जमीन वो बंदा अपने पास रख सकता है। तो ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल 31A के अंदर। एक चीज और बोली गई कि मान लीजिए किसी के पास स्टैटूटरी सीलिंग जितना एग्रीकल्चरल लैंड है और उस एग्रीकल्चरल लैंड पे वो कल्टीवेशन कर रहा है, और वो एग्रीकल्चरल लैंड अगर उससे लिया गया तो इक्विवेलेंट टू मार्केट वैल्यू उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर स्टेटरी सीलिंग से ज्यादा लैंड लिया गया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 500 एकड़ की बजाय उसके पास 600 एकड़ का जमीन है लेकिन स्टेटरी सीलिंग 500 एकड़ है, तो इस 500 एकड़ से एक्स्ट्रा कितना है उसके पास? 100 एकड़। तो अगर मान लीजिए ये 100 एकड़ ले लिया गया उससे, जो कि उसकी स्टेटरी सीलिंग के बाहर है, तो सरकार चाहे तो इसका पैसा दे, चाहे तो उसका पैसा ना दे। और ऐसा बहुत सा लैंड लिया सरकार ने कब? जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास हो गया, क्योंकि गरीब किसानों के लिए भी सरकार को कुछ करना था। ठीक है, तो आर्टिकल 31A के अंदर एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जो कॉरपोरेशन थी, कंपनीज थी, उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, माइनिंग लीसेस को ले सकते हैं, ये सब तरीके की चीजें सरकार कर सकती थी और करना बहुत जरूरी था। ओके, तो आर्टिकल 31A आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं आर्टिकल 31B पे। अब आर्टिकल 31A अगर 10 है तो आर्टिकल 31B 100 है। मतलब आर्टिकल 31A की जो इफेक्टिविटी थी उससे कई गुना ज्यादा इफेक्टिव हो गया आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B में क्या बोला गया? इसका टाइटल है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल 31B में ये बोला गया कि भैया एक नाइन्थ शेड्यूल बनाया जाएगा, और ये नाइन्थ शेड्यूल दोस्तों बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो नाइन्थ शेड्यूल है ये बनाया किससे गया। आर्टिकल 31B को और नाइन्थ शेड्यूल को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था किसके द्वारा दोस्तों? इसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू। तो थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 नाइन्थ शेड्यूल को और आर्टिकल 31B को हमारे संविधान में जोड़ा गया। बोला क्या गया इसमें? ये साफ साफ बोल दिया कि भैया देखिए, नाइन्थ शेड्यूल के अंदर अगर हमने किसी चीज को डाल दिया तो जुडिशरी उसको टच नहीं कर सकती। मतलब कि उस समय पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और इवन जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको क्या ताकत दे दी गई? उनको यह ताकत दे दी गई कि भाई देखिए, अगर कोई नियम कानून बना है और उस नियम कानून को नवे शेड्यूल में डाल दिया गया, तो कोई भी नियम बना के अगर नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो यह बोल के कि भाई ये नियम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई गवर्नमेंट इसके बाद। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आएगी कि चलिए, नाइन शेड्यूल बनाया भी गया तो स्टेट्स को ताकत क्यों दी गई? आज की डेट में देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कभी कभी टसल की स्थिति आ जाती है। लेकिन उस समय पे जब हमारा देश आजाद हुआ था और उसके 20-25 सालों तक कोई टसल की स्थिति आई नहीं थी, पता है क्यों? ये तो आपको मालूम ही है। आज की डेट में आप देखिए, स्टेट्स में अलग सरकारें हो जाती हैं, सेंटर में अलग सरकार हो जाती है। अब तो एक ट्रेंड सा देखने को मिल गया कि तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में यहां पे कभी बीजेपी जीतेगी नहीं, या यहां पे कभी कांग्रेस जीतेगी नहीं, ये वहां की रीजनल पार्टीज ही जीतती हैं वहां पे। तो कभी कभी इन रीजनल पार्टीज के बीच में और सेंटर पे जो पार्टी पावर में है उसके बीच में एक टसल की स्थिति आ जाती है। यहां क्या होता है देखिए दोस्तों,
ये 1951 में आया था। 1951 में जब 31 भी आया था तब सेंट्रल में भी कांग्रेस डोमिनेंट थी और स्टेट में भी कांग्रेस डोमिनेंट थी, हर जगह कांग्रेस की ही चलती थी। ओके, इसीलिए आर्टिकल 31 बी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बना सकती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम बना सकती थी। आर्टिकल 31 बी ने क्या बोला, 9th शेड्यूल बनेगा, और आर्टिकल 31 बी बोला कि अगर किसी नियम कानून को बना के हमने 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया तो उस नियम कानून को फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के बेसिस पे जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप एक सेकंड के लिए फिर से वीडियो को पॉज करिए और यह आर्टिकल 31 बी का टेक्स्ट पढ़िए, आपको यही पता चलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो होना ही है, तो जो नोट्स एंड रेफरेंसेस है 18A, वहां पे देखिए क्या लिखा है, वो IR सोयलहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू से ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। तो आप ये बोल दो कि हम कोई भी नियम कानून बनाएंगे उसके नवे शेड्यूल में डाल देंगे और उसके खिलाफ आप जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। आप शुरुआत में देखिए क्या है, ये चीज बोलने में सुप्रीम कोर्ट को 2007 हो गया, 2007 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी देखिए, 2007 में सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि 1973 में क्या हुआ था दोस्तों, केशवानंद भारती केस हुआ, तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस आया था। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी नियम कानून बने हैं खासकर इस 9th शेड्यूल के अंदर, तो 24 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 1973 के बाद जो भी नियम कानून बने इस आर्टिकल 31 बी के अंदर, अगर उसको 9th शेड्यूल में डाला गया है तो दैट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 15, 14, 19, 21 एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं अंग्रेजी में बोल गया, हिंदी में बोल देता हूं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है। देखिए 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी नियम कानून बने अगर वो आर्टिकल 31 बी के अंदर बने और उनको नवे शेड्यूल में डाल दिया गया तो इसका मतलब क्या था कि उनको फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट 2007 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में IR सोयलहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी नियम कानून आर्टिकल 31 9th शेड्यूल के अंदर डाले गए हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है इस बेसिस पे कि भाई वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21 एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इस डिसीजन को लाने में सुप्रीम कोर्ट को देरी हो गई। जब कोई चीज करी जाती है ना, गलत करी जाती है ना, उस समय पर उसका इंपैक्ट सबसे खतरनाक होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने वायरस फैलाया, अब चाइना ने वायरस फैला दिया, पूरे दुनिया में चाइना के अंदर गुस्सा है, कुछ दिन बाद धीरे धीरे गुस्सा जाता जाएगा। ये जो चाइना को पनिश करने वाली बात है ना, हमारे दिमाग में अभी मेमोरी फ्रेश है कि कितना नुकसान हो गया चाइना की वजह से, कोरोना वायरस फैल गया, इसको सजा दो, उसको सजा दो। कल की डेट में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाती है, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज से 10-15-20 साल बाद लोग ज्यादा याद नहीं रखेंगे कि चाइना की वजह से कितना बवाल हो गया था। सेम चीज यहाँ पे है। आप सोचिए 24 अप्रैल 1973 के बाद जाने ऐसे कितने लॉज होंगे जो 9th शेड्यूल में डाले गए होंगे, उनको उसी समय पे रिजॉल्व करना था। लेकिन 2007 में आके सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि नहीं भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद के लॉज को आप चैलेंज कर सकते हो, तो कोई मतलब नहीं है ना उनका। ये चीज तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट पहले सुप्रीम कोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, केशवानंद भारती केस कब आया था, 24 अप्रैल 1973। कहीं ना कहीं मैंने आपको केशवानंद भारती केस भी पहले समझाया है, आगे भी धीरे धीरे करके समझाता रहूंगा जहां जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। केशवानंद भारती केस में एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये केशवानंद भारती केस में नहीं बताया गया था, ये बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सामने आया कि क्या क्या चीजें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी के लिए देखा जाए दोस्तों तो 9th शेड्यूल में 282 एक्ट्स हैं, 282 नंबरिंग उनकी 282 है, वैसे 284 हैं, और 1951 में 9th शेड्यूल में केवल 13 एक्ट्स थे। तो आप देखिए किस हिसाब से 9th शेड्यूल में इन एक्टों को डाला गया, और ज्यादातर ये जो लैंड रिफॉर्म से चीजें की जाती थी ना, एग्रीकल्चर के लैंड रिफॉर्म से जो चीजें की जाती थी वो स्टेट लेजिस्लेचर करता था। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिशन करने के लिए जो भी एक्ट्स बनाए जाते थे इस 9th शेड्यूल के अंदर वो स्टेट लेजिस्लेचर करता था, पार्लियामेंट बाकी दूसरे मैटर्स में इन्वॉल्व होता था। तो शुरू में ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया, आप देखोगे आर्टिकल 31 से आया, आर्टिकल 31 बी आया, शुरू में इनके आने का जो रीजन था, जो रीजनिंग थी, जो लॉजिक था वो बहुत सही था, लेकिन बाद में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स थे, जो पॉलिटिकल क्लास थी, वो इन चीजों का मिसयूज करने लगे। ओके,
तो आर्टिकल 31 बी भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आर्टिकल 31 सी पे आते हैं, फिर से वीडियो को पॉज करिए, टेक्स्ट को पढ़िए। आर्टिकल 31 सी आया किसके थ्रू? ये आया 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू। इसके थ्रू आप लेके आए आर्टिकल 31 सी। आर्टिकल 31 सी क्या बोलता है? यहां पे देखिए अब पॉलिटिसाइजेशन होने लगेगा चीजों का, मतलब सरकार अपने वोट को जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरेगी। क्या बोला सरकार ने? सरकार ने बोला कि सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और ये सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे रखे हैं आर्टिकल 39 बी के अंदर, आर्टिकल 39 सी के अंदर। अब इनको देखना जरूरी है, तो देख लेते हैं आगे। आर्टिकल 39 बी क्या बोलता है? द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। मतलब कि स्टेट अपनी पॉलिसी को जिस तरीके से बताएगी कि कम्युनिटी के जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो बराबरी से लोगों के बीच में बांटे हैं। दूसरा आर्टिकल 39 सी क्या बोलता है? द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ये क्या बोल रहा है? ये बेसिकली सोशल प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं? कि भाई हम सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप नहीं रहेंगे, हम कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं आने देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, यानी सबके पास जितना हो सके पैसा बराबर हो। बट वो चीज आपकी मेरिट के अगेंस्ट जाती है दोस्तों। एक गधे और घोड़े को आप कंपेयर तो कर नहीं सकते। कभी बाद में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाके काम करोगे ना, तो आप देखोगे दोस्तों उस गवर्नमेंट जॉब में कुछ लोग तो ऐसे बेवकूफ होते हैं ना, उनको कुछ नहीं आ रहा होता है। वो फ्री फंड से काम, मतलब वो क्लर्क लगे हैं, प्रमोट हो के सुपरिटेंडेंट वगैरह बन गए हैं और उनको कुछ भी नहीं आता है। मतलब दे आर लिटरली इडियट्स। उनको नोटिंग पे क्या लिखना है ये भी नहीं आता है। तनख्वाह ले रहे हैं 1 लाख की, क्योंकि भाई 20 साल पहले सर्विस ली थी तो उनके इंक्रीमेंट लग लग के आज की डेट में उनके लाख रुपए की तनख्वाह होगी। बस आते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, स्वेटर बुनते हैं। कुछ मैडमें आती हैं, कुछ जो जेंट्स आते हैं उनको टाइपिंग में नहीं आती, टाइपिंग ही नहीं करनी आती उनको, बस बैठे रहते हैं दिन भर ऑफिस में, कुछ नहीं करते, लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे। तो अब देखिए कहीं पे भी किसी एफिशिएंसी को प्रमोट करना है तो आपको एफिशिएंट लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, मेरिटोरियस लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। आप बोलो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? सबका बराबर बराबर। तो सबका बराबर बराबर तो मेरिट यहां पे प्रमोट होगी ही नहीं। तो सरकार ने बोला कि आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी के अंदर अगर हमको किसी चीज को लागू करना है और हम उसको लागू करते हैं तो उसको आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 19 का कॉन्ट्रवेंशन नहीं माना जाएगा। अगर अब देखिए ये इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों कि अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है चीजें ठीक रहे, बट अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। सरकारें कभी कभी इस तरीके के नियम कानून का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से करती हैं। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, इस सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए मान लीजिए कि इंडिया में सरकार कल को यह बोल सकती है कि मान लीजिए इंडिया में जो लोग 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा कमा रहे हैं उनके ऊपर हम 50% का टैक्स लेंगे। अभी के लिए टैक्स स्लैब क्या है? 10-20-30%। तो भाई 10 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। सरकार कल की डेट में खड़े होकर बोल सकती है कि हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा रखेंगे 39 सी के अंदर कि किसी के पास ज्यादा वेल्थ ना जाए। तो इस सिस्टम के अंदर सरकार क्या बोल सकती है कि जो सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है उसके ऊपर 50% का इनकम टैक्स। तो क्या ये चीज सही होगी? नहीं सही होगी। क्यों नहीं सही होगी? क्योंकि जो सालाना 1 करोड़ रुपए ज्यादा कमा रहा है ना उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो वहां जाके बैठा है, उसने कुछ ना कुछ किया होगा या उसके बाप दादा ने कुछ किया होगा, उसने अपने पिताजी का बिजनेस लिया होगा, वो जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिजनेस चला रहा है, हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों को नौकरियां दे रहा है। अगर आप उसके ऊपर इस तरीके का टैक्स लगाना शुरू कर दोगे, आर्बिट्रेरी टैक्स लगाना शुरू कर दोगे, तो कल की डेट में वो अपने बिजनेस को इंडिया से बाहर भी शिफ्ट कर सकता है। वो बोलेगा भैया इंडिया में इतना पैसा मांग रहे हैं हम तो नहीं दे पाएंगे, क्या फायदा इतना पैसा देने का। तो आप समझ रहे हो ना, ये मैं आपको बस एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी का प्रयोग कैसे हो सकता है। अब ये कितना सही है कितना गलत है, दिस इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट। ये तो सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार इसको सही तरीके से इस्तेमाल करती है या गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। तो 25वें अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने क्या बोला? पहली चीज इसने ये बोली कि आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए अगर हम कोई नियम कानून बनाते हैं
और वो नियम कानून आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को वायलेट करता है तो वो नियम कानून सही माना जाएगा, उसको नल एंड वॉइड नहीं कहा जाएगा। ये तक तो ठीक था। दूसरा क्या बोल दिया इन्होंने, एक सेकंड पॉइंट भी जोड़ दिया 25th ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू। सेकंड पॉइंट ये जोड़ा गया कि अगर ऐसा कोई नियम कानून बनता है उस नियम कानून को जुडिशरी में नहीं ले जाया जा सकता, उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता, कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या बवाल है, और सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। केशवानंद भारती को उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलिए आपका जो पहला प्रोविजन था कि आर्टिकल 39B और सी को लागू करने के लिए आप 14-19 को थोड़े से मिनट के लिए हटा सकते हो तो वो हम मानते हैं, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हो कि आप जुडिशियल रिव्यू की पावर हटा रहे हो। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी आपके नियम कानून होंगे वो जुडिशियल रिव्यू को सब्जेक्ट होंगे। तो पहला क्लॉज तो आपका सही है कि आप आर्टिकल 39B और सी के अंदर के नियम कानून को लागू करने के लिए 14-19 तोड़ सकते हो, ये मैंने माना सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। मतलब आप ये बोल दो कि हम कोई लॉ बनाएंगे और उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ये हम नहीं होने देंगे, जुडिशियल रिव्यू रहेगा, और जो सेकेंड पॉइंट था इस आर्टिकल 31C का उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो अब केवल फर्स्ट पॉइंट प्रेवलेंट है, सेकेंड पॉइंट स्ट्रक डाउन हो चुका है। समझ गए दोस्तों, अब इतना बोल रहा हूं आप समझ ही गए होंगे। आई होप आप मेरे साथ लक्ष्मीकांत के सामने खोल के बैठे हो, लक्ष्मीकांत में चीज पढ़ रहे हो। तो आर्टिकल 31C के अंदर जो पॉइंट ए लिखा हुआ है वो तो वैलिड है, और आर्टिकल 31C के अंदर जो पॉइंट बी लिखा हुआ है उसको स्ट्रक डाउन कर चुका है कौन, हमारा सुप्रीम कोर्ट, किसमें, केशवानंद भारती केस ऑफ 24 अप्रैल 1973 में दोस्तों। तो फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C इज वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि यहां पे लिखा हुआ। यहां पे एक और चीज लिखी हुई है, ये आपका लक्ष्मीकांत ने नहीं बता रखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई देयर टू अनलेस सच लॉ हैविंग बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिसीव्ड हिज असेंट। आर्टिकल 31C के अंदर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो वो चीज प्रेसिडेंट के पास अगर जाती है और प्रेसिडेंट अगर अपना असेंट दे देता है तो ही वो चीज लागू होगी। और प्रेसिडेंट असेंट कब देगा, जब सेंट्रल के कैबिनेट अलाउ करेंगे। तो मतलब यहां पे भी सेंटर का कंट्रोल लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हुई दोस्तों, अभी तो आर्टिकल 39B और 39C के लिए बोला गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक लिमिट के आगे ही चला गया। ये इमरजेंसी के दौरान आया था और कुछ भी कर रहे थे उस समय की सरकारें। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या बोलता है कि देखिए आर्टिकल 31C का जो स्कोप है वो शुरुआत में आर्टिकल 39B तक जाता है और आर्टिकल 39C तक जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आर्टिकल 31C का स्कोप आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C तक ही नहीं जाता है, आर्टिकल 31 का स्कोप सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तक जाता है। यानी सरकार ने बोला कि किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने के लिए हम अगर नियम कानून बनाएंगे आर्टिकल 31C के अंदर तो 14 और 19 का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या बवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस 1980 में बोला ये नहीं है भाई, आर्टिकल 31C का स्कोप केवल आर्टिकल 39B और 39C के प्रोविजंस को लागू करने के लिए है, सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रोविजंस को आप आर्टिकल 31C के अंदर लागू नहीं कर सकते अगर वो 14 और 19 को वायलेट कर रहे हैं, समझ गए। हालांकि अब 1976 वाले अमेंडमेंट एक्ट 42nd ने क्या किया अब वो रियलिटी नहीं है। फिर से बता रहा हूं, आर्टिकल 31C के अंदर अगर कोई नियम कानून लगता है जो कि आर्टिकल 39B और 39C को प्रमोट कर रहा है तो वो अगर 14-19 को वायलेट करता है तो ठीक है, हालांकि जुडिशियल रिव्यू को ओपन है तो जुडिशियल उस पर अपने इनपुट्स दे सकती है तो आप कह सकते हैं कि हम लोग सेफ हैं। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या किया कि सारे DPSP को अप्लाई कर सकते हैं आर्टिकल 31C के अंदर, और आर्टिकल 31C के अंदर कोई लॉ बनेगा तो 14-19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो यहां पे आप कह सकते हो कि DPSP को फंडामेंटल राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिए, जबकि DCSP हमेशा से नॉन जस्टिसिएबल रहे हैं, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं हो पाएगा, सारे DPSP को आप नहीं बना सकते, केवल आर्टिकल 39B और 39C के प्रोविजंस को पूरा करने के लिए जो नियम कानून बनेगा 31C में वही 19 और 14 आर्टिकल से इम्यून है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हो दोस्तों, गला फाड़ फाड़ के समझा रहा हूँ, अभी भी ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन से पूछिए, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, काफी मेहनत लग रही है बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, ध्यान रखिए अपना और कोरोना से बच के रहें।